नमस्कार दोस्तों, रजनीश तिवारी आयुर्वेदिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि आंत की सूजन क्या है और इसका रामबाण उपाय क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है। अल्सरेटिव कोलाइटिस लंबे समय तक बनी रहने वाली बड़ी आंत यानी कि कोलन की सूजन है, जो गुद्दा और आंत की परतों में सूजन और घाव, जिन्हें अल्सर या छाले भी कहते हैं, उसको उत्पन्न करती है। यह इन्फ्लेमेटरी बोवेज डिजीज यानी कि आईबीडी का एक रूप है। साधारणतः यह आंत के निचले हिस्से यानी सिग्मोइडाइज कोलन और गुद्दा को प्रभावित करती है, लेकिन यह पूरी आंत को प्रभावित कर सकती है। आईबीडी आईबीएस यानी कि इरिटेबल बोवेज सिंड्रोम से भिन्न होती है। सूजन के स्थान और विस्तार के आधार पर अल्सरेटिव कोलाइटिस के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया गया है। अब बात करते हैं इस रोग की अवधि के बारे में। यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन नियंत्रित किया जा सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जीवन भर रहने वाली स्थिति है, जब तक कि शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन द्वारा बड़ी आंत हटाना दी जाए। यदि व्यक्ति का ऑपरेशन यानी कि शल्य क्रिया हुई है तो वह 2-3 माह में ठीक हो जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन कौन सी जांच और परीक्षण होती है? रक्त परीक्षण होता है, मल का नमूना, कोलोनोस्कोपी, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, बेरियम एनीमा, एक्सरे और सीटी स्कैन होता है। अब बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि आंत की सूजन के लक्षण क्या है और इसके कारण क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लक्षण की। गुद्दा द्वार से रक्त स्राव होता है, गुद्दों से आवाना, अतिसार यानी मन से लेकर बार बार होना, मल पतला और रक्तयुक्त होना, पेट दर्द भी होता है, कब्ज होता है, कब्ज यानी कि अनियमित और विलंब से या कठिनाई से होने वाले मल त्याग, कम रक्त मात्रा यानी कि अनीमिया भी हो जाता है, बुखार, वजन में कमी और कभी कभी कुल्हों और घुटनों में दर्द रहता है या उसमें सूजन आ जाती है। अब बात करते हैं इसके कारण क्या है। इसके कारण अज्ञात है, लेकिन कुछ उत्तेजकों में है। इसके पहला है अनुवांशिकता, वातावरण, प्रतिरक्षण, तनाव और एलोपैथी दवा की ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना, लाल मिर्च का प्रयोग बहुत ज्यादा करना और 7वां है पानी कम पीना। इन 7 प्रकार से ये हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें डॉक्टर को कब दिखाएं। अपने डॉक्टर से संपर्क करें यदि आपको पेट दर्द हो, मल में रक्त हो, अतिसार हो या 2 दिन से अधिक समय से बुखार हो। अब बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी आंत की सूजन के परहेज क्या है और इसके आहार क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इनमें लेने वाले आहार के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों को फल और सब्जियां, फलों का रस, ब्रेड्स और दलिया, यदि आप लैक्टोस यानी कि दूध में पाई जाने वाली शक्कर को पचा लेते हैं तो आप डेयरी उत्पाद लें, अन्यथा न लें। मांस, मछली, पोल्ट्री उत्पाद, ये सब चीजें आपको लेने हैं। अब बात करते हैं आपको क्या नहीं लेना है, किन किन चीजों से आपको परहेज करनी है। फलियां, चाय और कॉफी, यदि आप लैक्टोस दूध में पाए जाने वाले शक्कर नहीं पचा पाते हैं तो डेयरी उत्पाद न लें। ब्रोकोली, दाने, मक्का और मशरूम, वसा युक्त मांस, मसाले, क्रीम युक्त आहार, चॉकलेट्स, शराब, मेवे, सोडा, प्याज, ये सब चीजें आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। अब बात करते हैं योग और व्यायाम। अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों को व्यायाम करना चाहिए, जैसे पैदल चलना, श्वास के व्यायाम आदि बहुत सहायता करते हैं। योग, इसमें पवन मुक्तासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन और सामान्य योग जो है वो बहुत ही लाभकारी होता है। अब बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की रामबाण उपाय की, जो कि बहुत ही लाभकारी है। सबसे पहले 1 चम्मच बेल का पाउडर ले लें, उसके बाद 1/2 चम्मच मुलेटी का पाउडर लें और एक साफ ग्लास, 1 गिलास पानी में इसको मिला लें। मिलाने के 1/2 घंटे बाद खाली पेट सुबह सुबह इसको पी जाए और ठीक 1 गिलास ऐसा ही रात को सोने से पहले 1 गिलास पिए। ऐसा ही करने से आप देखेंगे
कि आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इस बेल आइकन को दबाने से हमारे सभी वीडियो अपडेट आपको मिल जाए करेंगे।